अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बस 2 मिनट की बल लेंस और कर लेना। एक मिनट गई बेटी इधर इधर हम राजी नाम आऊंगा दोनों तरफ से। आज दोपहर लगभग 2:15 बजे 2:15 से 2:30 के बीच मैं अपने कार्यालयीन काम में व्यस्त था। इसी बीच पार्षद सत्ताधारी दल के नेता पक्ष मनीष सेन जी और इरफान अली पार्षद प्रतिनिधि और ठेकेदार अनीस शेख ये मेरे कक्ष में आए और आके मुझसे गाली गलौज करने लगे। प्रारंभ से ही उन्होंने बोला देख लेंगे तुम नौकरी कैसे करते हो हम जानते हैं। मैंने बोला भाई साहब मैटर क्या हो गया, तुमने कुछ नहीं बहुत ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। इरफान अली तो मारने तक का प्रयास किया मुझे जी, और ये सब चीज़ की रिकॉर्डिंग पूरे वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है क्योंकि मैं TI साहब को प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्या कारण रहा सर कि अचानक जो कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला तुम इतने दूर से हो ऐसा करोगे वैसा करोगे, हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, जैसा हम बोलेंगे नहीं करोगे फिर देख लेना तुम। और पूरी ही समय वो अभद्रता ही करते रहे। अभी आप थाने पर पहुंचे हैं, क्या शिकायत की आपने? शिकायत मैंने जैसा जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिखवा के दी है। तो फुटेज की जांच के लिए SI साहब अभी अंदर कंप्यूटर में देख रहे हैं। उन्होंने कहा फुटेज पहले मैं देख लूँ उसके बाद मैं कार्य नहीं करूँगा। क्या लगता है सर कुछ मनीष सेन या इरफान अली के पार्षद का कोई ऐसा कार्य हो जो आपने नहीं करा? नहीं, इनसे तो मेरे हमेशा मधुर संबंध, मेरे सभी पार्षदों आम जनता सभी से मेरे मधुर संबंध है और होने लायक सभी काम सबके ही होते हैं। उक्त मामले को लेकर आपने आपके आला अधिकारियों को बिल्कुल सूचित किया? मैंने कमिश्नर साहब को बताया, महापौर जी को घटना से अवगत कराया। ठीक है, आपका नाम? पुनीत शुक्ला, उपायुक्त। विवाद हुआ है आपके नगर निगम में और पार्षदों ने भी आवेदन दिया है पुनीत शुक्ला के खिलाफ, पुनीत शुक्ला ने पार्षदों के खिलाफ, क्या पूरा मामला? मेरा भी अभी जस्ट जानकारी मिली मुझे कि हमारे नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन और दो पार्षद इरफान अली और इन लोगों का कुछ विषयों को लेकर कुछ गहमा गहमी हो गई आपस में इन लोगों में। और यहाँ पर पुनीत शुक्ला जो हमारे DC हैं वो यहाँ पर आवेदन दे के गए हैं और अभी पार्षद हमारे पार्षद साथी भी सब लोग आ गए थे और मुझे पता चली कि वो लोग आए और मुझे फ़ोन आया था तो मैं यहीं अभी देखने आया हूँ और मामले को समझा है। तो उसमें पार्षदों ने भी आवेदन दिया है, कहीं हमारे पार्षद साथी विनय सांगते जी के साथ उनका ऐसा कहना है आवेदन में कि उनके साथ कुछ अभद्रता कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो वो क्या सही है और क्या गलत है अभी पुलिस जाँच कर रही है। मुद्दा क्या था जिस पर यह विवाद हुआ है? डेवलपमेंट को लेके है, उनकी कुछ बातों को लेके है कि जिसमें उन्होंने कुछ बात का विकास के काम की बात की होगी जो हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब पुनीत शुक्ला नहीं दे पाए हों। एग्जैक्ट पूरी जानकारी मुझे नहीं है पर अभी लेके और मैं बात करता हूँ उसमें क्या है। यह बहुत दिनों से अधिकारी और पार्षदों के बीच में जो है आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उस कारण से शहर का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और कुछ लेटरबाजी भी जो है अधिकारी और पार्षदों के बीच में हुई। देखिए ऐसा आप जो बोल रहे हैं पहले भी एक बार ये अभी परिषद की बैठक भी रिसेंटली आई उसमें एक छोटा सा एक विषय आया था ऐसा कि कहीं कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो कुछ हमारे एक दो पार्षद साथियों की नाराज़गी थी तो वो भी वहाँ पर परिषद में मेरे खुद के द्वारा भी वहाँ पे जितने अधिकारी थे उनको हिदायत दी गई थी और उसके बाद में वो चीज़ों की शिकायत दूर हो चुकी है। जैसे पहले भी कुछ हुआ था कि कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते थे तो उनको भी एक स्पष्ट रूप से एक बोला गया है, आदेशित किया गया कि ऐसा कोई हो नहीं जो जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाए। चूँकि ये चुनाव का समय तो है ही और हमारे जितने टेंडर्स लग चुके हैं हम विकास कार्य कर रहे हैं सारी दूर आप देख रहे होंगे हर तरफ विकास हो रहा है तो पार्षद भी बड़ा उत्साहित है कि कैसे भी करके चुनाव के पहले उसका काम उसके वार्ड का काम निपटे तो अच्छा है। पर इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। भाई बताया यार ठेकेदारों के पेमेंट को लेकर भी कोई विवाद है? देखिए पेमेंट को लेकर ये जो अभी मामला है ये कोई पेमेंट को लेकर नहीं है जी। पर पेमेंट को लेकर ठेकेदार अपनी ठेकेदार को भी पेमेंट की आवश्यकता लगती है इसलिए वो भी डिमांड करता है और समय समय पर जिस तरीके से नगर निगम में पेमेंट आता है हम लोग बारी बारी से भुगतान कमीशन बारी बारी से भुगतान करते हैं। PC के भी आरोप लग रहे हैं कि कमीशन लिया जाता है वो तो 40% 50% 60% के वो बोर्ड टांग के और वो उस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो ये कांग्रेस के 15 महीने का दौर था
उनको वो चीज़ें मालूम है कि ऐसा होता है, तो उन्होंने अभी भी ये एज्यूम कर लिया कि जैसे इस कार्यकाल में भी ऐसा होता होगा, जबकि ऐसा कहीं आपने अगर देखा हो तो उनका काम ही आरोप लगाने का है। हम हमारा काम कर रहे हैं, हमको देवास को विकास की ओर ले जाना है, और निश्चित तौर से ये कहीं पर भी विकास इन जैसे लोगों से, इन घटिया आरोपों से देवास का विकास नहीं। अच्छा, आप सभापति हैं नगर निगम के, जिम्मेदारी के पद पे हैं, ऐसे मिसमैनेजमेंट के कारण सारे काम प्रभावित नहीं हो रहे हैं? देखिए, मिसमैनेजमेंट अगर कहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश में हैं। हमारे महापौर हमारे भाभी गीता भाभी वो भी इस मैटर में चिंतित है कि किस तरीके से और इसको और लाइनअप किया जाए कामकाज को। तो ठीक है, अब ये देखा जाए तो अभी सीधे सीधे विकास की और सारी बातें हो रही हैं, बाकी तो ये कांग्रेस से जो आरोप लगाते हैं वो चलते रहेंगे, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है।